Hello everyone, good morning all of you. Today we will read chapter 6. Our topic, Life Under the Delhi Sultanate, part 1. My students, here is your key term. You can see here, arches, curved symmetrical structure. Aristocracy, the highest class in the society, especially those holding hereditary titles or offices. Arizemumalik, military commander. Calligraphy, the art of producing decorative handwriting with a special pen or brush. Domes, large semi-circular roofs. Ekta, an administrative unit of kingdom of the Delhi Sultanate. Kingdom, a country, a state or territory ruled by a king or a queen. Qawwali, a new form of devotional music popularized by Amir Khusru. Okay students, art and architecture. The art and architecture of a Delhi Sultanate is called the Indo-Islamic style of architecture. It is a mixture of Islamic and Indian style. तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे जान ले, हमने बहुत आर्ट और आर्किटेक्चर, वास्तु कला और वास्तुकला के बारे में हमने बहुत पढ़ा है. तो ये जो दिल्ली सल्तनत के जो आर्ट और आर्किटेक्चर होते थे, कला होती थी, बिल्डिंग्स, मोनोमेंट्स, मॉस्क्यूज और भी बहुत अदर चीज़ें जो होती थी, तो वो इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहलाती थी. क्यों ऐसा कहलाती थी स्टूडेंट? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इस्लामिक एंड इंडियन स्टाइल. ये मिली जुली हुई थी इंडियन स्टाइल से भी और इस्लामिक स्टाइल से मिलकर ये आर्किटेक्चर बनाई गई थी. यानी कि कुछ डिज़ाइंस वो, जैसा कि हमने तुर्की शुरू के बारे में पढ़ा है, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसा वो आते थे और उनकी जो स्टाइल होती थी उसे भी वो डालते थे, क्योंकि इस्लामिक स्टाइल होती थी. और जो इंडिया में वो आए, इंडिया में वो मोनोमेंट्स, मॉस्क्यूज, फोर्ट्स और भी अदर्स बहुत सारे बिल्डिंग्स, बहुत सारे आर्ट्स उनके बने हुए हैं, स्कल्पचर. तो दैट मीन्स कि उन्होंने ये दोनों स्टाइल को मिलाकर के बनाया, तो ये इंडो इस्लामिक स्टाइल कहलाया. ओके, द इस्लामिक स्टाइल वाज ब्राउट इन बाय द तुर्किश रूलर्स. तो जैसा कि मैंने बता दिया ना कि ये जो इस्लामिक स्टाइल है ये कहाँ से लाया गया था? तुर्किश रूलर्स. द इंडियन स्टाइल वाज पॉपुलर एमोंग द नेटिव रूलर्स. तो जो इंडियन स्टाइल है, जाहिर सी बात है कि जो नेटिव रूलर्स थे उनके बीच बहुत पॉपुलर था. जैसे कि पैलेसेस है, मॉस्क्यूज, टावर एंड फोर्ट्स वेयर द कंस्ट्रक्टेड इन द इन दिस न्यू स्टाइल. कि उस समय क्या हो रहा है स्टूडेंट, की जब वो तुर्किश रूल यहाँ पर रूलर यहाँ पे आए, तो उन्होंने कुछ अपने स्टाइल को लिया, कुछ इंडिया के स्टाइल को लिया, स्टाइल को उन्होंने पैलेसेस बनाए, मॉस्क्यूज, टावर एंड फोर्ट्स वेयर द कंस्ट्रक्टेड इन दिस द न्यू स्टाइल. द आर्चेस, डोम्स एंड मिनारेट्स. मीनार मैंने बताया आपको स्टूडेंट, मीनार वेयर द, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, वेयर द मेन फीचर्स ऑफ दिस स्टाइल. तो ये जो थे स्टाइल के मेन फीचर्स थे. द आर्चेस वेयर द मास्टर पीस ऑफ दिस आर्ट. दे वेयर लेटर रिफाइंड एंड कॉल्ड ट्रू आर्चेस. तो आर्चेस के बारे में बताएंगे तो वो मास्टर पीसेस थे. तो काफ़ी मतलब कि उत्तम रचना होती थी, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे बनाया जाता था, जिसको बाद में रिफाइंड किया गया, जो ट्रू आर्चेस कहलाया. द आर्चेस वेयर बिल्ड बाई पुटिंग वन स्टोन ओवर द अदर टू नैरो द गैप टिल इट कुड बी ज्वाइन बाई द सिंगल स्टोन. तो ये आर्चेस जो बनता था, जो पुटिंग एक स्टोन रखने के बाद से जो भी गैपिंग होती थी उसे पूरा किया जाता था. स्टोन इस तरह से एक बिल्डिंग्स खड़े होते थे, एक सिंगल स्टोन को डालने के बाद से मतलब कि एक बिल्डिंग खड़ी होती थी. द आर्चेस एलिमिनेटेड द नीड ऑफ, यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, ये बलबन टॉम्स है. आई रिपीट अगेन, टॉम डैट मीन्स के मकबरा, आप समझ सकते हो बलबन का मकबरा है ये. द आर्चेस एलिमिनेटेड द नीड ऑफ द पिलर्स टू सपोर्ट द रूफ. तो ये भी जान लो कि कोई भी आर्चेस बन रहा है स्टूडेंट, तो रूफ को सपोर्ट करने के लिए पिलर्स की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल ये होता रहा था और हो रहा है. द फर्स्ट बिल्डिंग टू हैव सच आर्चेस वाज बलबन टॉम्स. इट इज सिचुएटेड नियर मेहरौली दिल्ली. तो जो पहली बिल्डिंग थी स्टूडेंट आर्चेस की, वो बलबन का टॉम्स है. यू कैन सी हियर
दिस इज बलबन टॉम्स, इमेजेस ऑफ बलबन टॉम्स, ओके। इट इज सिचुएटेड कहाँ पर है, मेहरौली में है, जो दही टंडी के है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हिस्ट्री इन रियल लाइफ, तो यहाँ पे बिल्कुल डायग्राम बना के दिखाया गया है। द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग आर्चेज इंस्टीड ऑफ पिलर्स टू होल्ड ऑफ रूफ वाज ब्रॉट ऑफ इंडिया बाय द तुर्क्स। तो रूफ को होल्ड करने के लिए जो पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, तो ये तुर्कों द्वारा लाया गया है, बाय द तुर्क्स। टुडे दिस आर्किटेक्चर यूज मेनी बिल्डिंग्स। तो आज भी आपको पता है कि आर्किटेक्चर यूज जो होते हैं मेनी बिल्डिंग्स में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से आप देखो स्टूडेंट, पिक्चर शोइंग हाउ आर्चेस आर बिल्ड, किस तरह से बिल्डिंग्स बनती थी आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था मेन स्टोन स्टूडेंट, ये मेन स्टोन है और ये राउंड आर्चेज है। जैसे कि हम आगे डोम के बारे में पढ़ेंगे, गुंबज के बारे में पढ़ेंगे, हमने की टर्म्स भी पढ़ा है। ये राउंड आर्चेज है और किस तरह से एक स्टोन लगा है, उसके बाद से वो बाकी को वो फिल करते हैं, वहाँ पे एक मीनार खड़ा होता है। आप इस तरह से देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पर आर्च, ठीक है। द डोम्स वेयर लार्ज सेमी सर्कुलर रूफ, ये सेमी सर्कुलर रूफ होते थे इसके। द बिल्डिंग्स, ये जो कि कंसेप्ट ये जो है उनके इस्लामिक स्टाइल में आता है स्टूडेंट। द बिल्डिंग हैड मिनरेट्स एंड बोथ साइड, तो बिल्डिंग जो होती थी तो उसके बोथ साइड्स मिनरेट्स होते थे, जस्ट लाइक आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे मीनार्स बने होते थे, ओके। ऐसे बहुत सारे इंडो इस्लामिक बिल्डिंग्स में आपको मीनार्स दिखेंगे। देयर वेयर एब्सेंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल पिक्चर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार स्टूडेंट्स के, उनके मतलब के उनके बिल्डिंग्स में उनके मोन्यूमेंट्स जो होते थे, मॉस्क्यूज की बात करेंगे, पैलेसेस की बात करेंगे, फोर्ट्स की बात करेंगे, तो ह्यूमन एनिमल पिक्चर एब्सेंस होता था, बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि इमेजेस जो है अलाउड नहीं है डालना उनके रीजन के अकॉर्डिंग। द बिल्डिंग वी आर डेकोरेटेड विथ ज्योमेट्रिक डिजाइंस, ज्योमेट्रिक डिजाइंस होते थे स्टूडेंट उनके बिल्डिंग पे, डेकोरेट फ्लावर्स, जाली बना होता था उस पर, एंड कैलीग्राफी। द वर्सेस ऑफ द होली कुरान वेयर इंग्रेव्ड ऑन सम बिल्डिंग, कुछ बिल्डिंग्स पे क्या स्टूडेंट, जैसे हम आपको मोनूमेंट्स में अगर हम पैलेस ताजमहल की बात बता दें और भी कुतुब मीनार की बात बता दें, तो वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट की मतलब कि कुरान के जो आयत होते हैं उसको इंग्रेव्ड किया गया है। रेड एंड येलो सैंड स्टोन अलॉन्ग द मार्बल वी आर यूज, तो उस समय क्या होता था स्टोन के रेड एंड येलो सैंड स्टोन्स होते थे जो मार्बल के साथ उसका इस्तेमाल किया, दे एडिड कलर टू द बिल्डिंग। आवर नेक्स्ट पॉइंट मोनोमेंट, दैट मीन्स के बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। द कुतुब मीनार इज कॉल्ड द जेम ऑफ इंडियो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इट इज अ फाइव स्टोरी बिल्डिंग विथ अ हाइट ऑफ 72.5 मीटर्स। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है स्टूडेंट कि वो जो कुतुब मीनार है, यू कैन सी हेयर दिस इमेजेस, तो ये फाइव स्टोरीज बिल्डिंग थे स्टूडेंट्स, ओके। और आप देखो ये कैसे कंप्लीट हुआ, डिस्ट्रॉय भी हुआ, फिर उसको बाद से उसको फिर से उसको रिस्टैब्लिश भी किया गया, बनाया फाइव स्टोरी बिल्डिंग विद अ हाइट ऑफ 72.5 मीटर्स। और आपने अगर इसे देखा है तो आपके लिए इसको समझना बहुत आसान है। इट हैज 378 स्टेप्स, इसमें 378 स्टेप्स है। इट इज मेड ऑफ रेड सैंड स्टोन, लाल बालू मतलब पत्थर जो होते हैं बना हुआ था, ये बना हुआ है। द अपर स्टोरीज आर कवर्ड विथ मार्बल, इसका जो अपर स्टोर है स्टूडेंट आप देख सकते हो ये मार्बल से कवर्ड है, ओके। इसका अपर स्टोर्स मार्बल से कवर्ड है। इट इज़ ब्यूटिफुल्ली डेकोरेटिव विथ कैलीग्राफी एंड फ्लोरल डिज़ाइन, बहुत सारे कैलीग्राफी डिज़ाइन व फ्लोरल्स फ्लोरल एंड डेट मीन्स कि यहाँ पे फ्लावर्स के या प्लांट्स के डिज़ाइन के बारे में बोल सकते हैं स्टूडेंट, आप समझ सकते हो। देर आर सेवरल बालकोनीज, बहुत सारे बालकोनीज है। इट हैज़ डिफरेंट एलोब्रेटिव डिज़ाइंस, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के विचित्र अलग डिज़ाइंस देखने को मिले हैं। इट्स वन नेम आफ्टर शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इट वॉज ए फेमस ही वाज ए, जो यहाँ पर इट वॉज नेम्ड आफ्टर, ये जो नाम रखाया शेख कुतुबुद्दीन उसके नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि फेमस चिश्ती सेंट थे, एक सूफी कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, बहुत फेमस थे वो। यू कैन सी हियर स्टूडेंट दिस इमेजेस, अलाई दरवाजा देख सकते हो, अलाई मीनार, आयरन पिलर, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, टॉम्ब ऑफ अलतुतमिश, अलतुतमिश का टॉम्ब है स्टूडेंट्स, ओके, मकबरा उसका, आफ्टर डेट जिन्हें दफन किया जाता है, कौतुल इस्लाम मॉस्क्यू, आप देखो कैसे रिमेन्स ये बचा हुआ है कुछ है। आप देख सकते हैं कैलीग्राफी ऑन कुतुब मीनार, कुतुब मीनार पे जो कैलीग्राफी स्टूडेंट देख रहे हैं ये सब,
ये सारी कैलीग्राफी, सारे जो इसमें मतलब कलाकारी हुई, आप देख सकते हो कितना मतलब कि सोच के लगता है कितना इमेजिन है ये। ओके स्टूडेंट्स, नो मोर भी हम लोग जान लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्टार्ट किया था। ओनली वन स्टोरी हैड बीन कंप्लीटेड व्हेन ही डाइड। अलतुतमिश एडेड थ्री मोर स्टोरी। अलतुतमिश जो उसके बाद आया उसने थ्री मोर और जो तीन स्टोरीज है उसको बनवाया। सम लाइट सम टाइम लेटर द फोर्थ स्टोरी वॉज डिस्ट्रॉय बाय लाइटनिंग। की वजह से क्या हुआ ना कि जो फोर्थ स्टोरी थी वो मतलब के वो बर्बाद हो गई, डिस्ट्रॉयड हो गई। फिरोज शाह तुगलक रिबिल्ट इट। फिरोज शाह तुगलक ने उसे फिर जैसे जैसे लोगों का शासन हुआ ना वैसे जैसे जैसे उत्तराधिकारी आते गए वैसे वैसे उसे रिबिल्ड किया गया। ही एडिड द फिफ्थ स्टोरी एज प्रेजेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेंटेंस है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट बात है। कुतुब मीनार इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो कुतुब मीनार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में साइट कहा गया है स्टूडेंट्स। अलाउद्दीन खलजी बिल्ड द अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खलजी ने अलाउद्दीन खलजी के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, खलजी डायनेस्टी से। इट इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू कुतुब मीनार, जो कि बिल्कुल कुतुब मीनार के नेक्स्ट ये सिचुएटेड है। अलाउद्दीन ऑल्सो बिल्ड द सीरी फोर्ट इन दिल्ली। सीरी फोर्ट, आप देखो सीरी फोर्ट उसने बनवाया था। इट वॉज बिल्ड टू प्रोटेक्ट द एम्पायर अगेंस्ट अटैक्स। तो आई गिव एक्सप्लेन। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड ऑफ अलाउद्दीन वॉज एक्सप्लॉइट्स द नेम सीरी गिविंग टू द फोर्ट वॉज बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट वॉज बिल्ट ऑन द सेवर्ड हेड्स। सिर इन हिंदी मीन्स हेड ऑफ अबाउट 8,000 मंगोल सोल्जर्स किल्ड इन द वॉर। इस बार बिल्ड टू प्रोटेक्ट द एम्पायर अगेंस्ट अटैक, मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट के फोर्ट बनाने का तो मतलब यही पर्पस होता था कि जो भी अटैक्स होते थे उस समय मंगोल के अटैक्स का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और भी जो अटैक्स होते थे उससे मतलब कि वो डिफेंड होता था, उससे बचाव होता था। सीरी फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड विद मार्बल एंड स्टोन्स। इट हैड सेवन गेट्स। टूडे ओनली द रिमेनेंट्स ऑफ द साउथ ईस्टर्न गेट रिमेन। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट सीरी फोर्ट जो कि उसका एक ही जो कि कहते हैं यहाँ पर कि उसका सिर्फ एक मतलब गेट, उसका जो सेवन गेट थे उसमें साउथ ईस्टर्न गेट ही रिमेन है, बचा हुआ है। अलाउद्दीन खलजी एस्टैब्लिश सीरी फोर्ट द सेकेंड सिटी ऑफ दिल्ली टू इंश्योर अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर टू सीरी। ही एक्सकेवेटेड, वहाँ पर लास्ट टैंक खुदवाया गया जिसको जो आपको हौजे लान के नाम से जाना गया। दिस टैंक वॉज लेटर रिपेयर्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। बाद में क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने उसे रिपेयर करवाया। हु वॉज बिल्ट हिज टॉम, टॉम बनवाया था। एंड अ मदरसा, डेट मीन्स के स्कूल जहाँ पे तालीम दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। अराउंड द टैंक दिस प्लेस दे केम टू बी नोन एज द हॉर्स खास और द रॉयल टैंक। जो कि प्लेस था, वो जगह था, वो जाना जाने लगा हॉर्स खास या फिर रॉयल टैंक, जो शाही टैंक होते हैं उसके नाम से। द तुगलक सुल्तान कंस्ट्रक्टेड बिग पैलेसेस एंड द फोर्टरेसेस। तो उसने बहुत सारे पैलेसेस बनवाए, किले बनवाए। तुगलकाबाद फोर्ट नियर दिल्ली इज द मोस्ट फेमस वन। तुगलकाबाद फोर्ट जो है दिल्ली के नज़दीक, तो कहने का मतलब ये फेमस वन, एक मशहूर ये जाना जाता है। अदर इम्पोर्टेंट तुगलक बिल्डिंग्स आर फिरोज शाह कोटला एंड हौज खास। और जो दूसरे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स है वो आपको इस तरह से कह सकते हैं, फिरोज शाह कोटला और हौज खास है। टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक इज ऑल्सो वर्थ मेंशनिंग। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म। तो कहने का मतलब है कि जो टॉम गियासुद्दीन तुगलक के जो टॉम है वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बनवाया गया। इट हैज़ डोम ऑफ मार्बल इंस्टीड ऑफ रेड स्टोन। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि रेज्ड बहुत मतलब कि ऊंचे एरिया पे इसको बनवाया गया था स्टूडेंट। गियासुद्दीन टॉम्स है और यहाँ पे रेड स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया, मार्बल इंस्टीट्यूट ऑफ रेन उसके अलावा कहते हैं कि मतलब यहाँ पे मार्बल का इस्तेमाल था, रेड सैंड स्टोन का भी इस्तेमाल किया गया। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर होमवर्क टाइम। जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग चैप्टर टू पार्ट टू में कंप्लीट करेंगे। नोट्स योर होमवर्क इन योर डायरी। Do and learn quick revisions of chapter 6, page number 55. Okay, today class is completed. Thank you.